खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार की खबर के साथ। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 38 जिलों के 62 प्रखंडों में वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से लाइन में लगकर अपने वोट डाल रहे हैं। इस फेज के लिए 13,335 बूथ बनाए गए हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस फेज में कुल 65,52,786 वोटर्स हैं, जिनमें 34,86,493 पुरुष मतदाता और 30,66,089 महिला मतदाता है। इसके अलावा 204 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। इस फेज में जिला परिषद के 134, पंचायत समिति के 1,289, मुखिया के 939, सरपंच के 939 पदों के साथ साथ ग्राम पंचायत सदस्य के 12,859 पदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ रहे हैं जिमीडा संवाददाता अमित कुमार। अमित, आज पंचायत चुनाव का चौथा चरण है, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और वोटर्स में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए ललिता, ये पंचायत चुनाव जो है वो काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि गांव की सरकार बनती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मतदाता है वो खासे उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की कर लें तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे पुलिसकर्मी तैनात है, चप्पे चप्पे पे जो जवान हैं वो तैनात हैं, कहीं कोई घटना ना हो और जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो जिलाधिकारी हैं सभी जिलों के, उन्होंने तैयारी की समीक्षा की थी। और अभी जब सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है तो उसके बाद से ही लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जो ऑब्जर्वर हैं वो सभी मतदान केंद्रों पर घूम घूम करके जो मतदान चल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से उसका वो जायजा भी ले रहे हैं, और जो वोटर हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कतारबद्ध होकर के चरणबद्ध होकर के अपने मतदान की बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और खासतौर पर देखा जाए तो कहीं कोई वोटर को प्रत्याशी रिझाए नहीं, लुभाए नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षाकर्मी हैं वो नजरें बनाए हुए हैं। बिल्कुल अमित, बहुत सही बात कही आपने। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है और तमाम लोग अपने गांव की सरकार चुनने के लिए घर के बाहर निकल रहे हैं। महिलाओं की किस तरह का रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है अमित? देखिए, महिलाओं का जो रुझान है वो लोकसभा चुनाव विधान चुनाव के दौरान जो जिस तरह से देखने को मिल रहा था, पंचायत चुनाव में उससे भी बढ़ करके दिख रहा है। क्योंकि जैसा हमने पहले बताया है कि ये गांव कस्बे और पंचायत का सरकार इस बार बनना है, तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके आएँ और चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस बात को ध्यान में रख रही हैं महिलाएँ। और कतारबद्ध होकर के महिलाओं की जो संख्या है, पंक्ति की संख्या है, वो लंबी है। लंबी कतार में जो महिलाएँ हैं, महिला मतदाता जो हैं वो बारी का समय का इंतजार कर रही है। कुछ महिला मतदाताओं से जो बात हुई है, हमारे जो सहयोगी संवाददाता हैं, तो उन लोगों का कहना है कि पहले मतदान करेंगे उसके बाद जाकर के घर में जलपान बनाएंगे, तो ये एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है पंचायत चुनाव को लेकर के।